हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा सिंह आप सभी के बीच फिर से आ चुकी हूँ एक नई ज़बरदस्त जॉब अपडेट लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है झारखंड एसएससी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी सीट जो रहने वाला है वो 583 रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है, यानी कि 1 जून से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और इसके लिए लास्ट डेट जो रहने वाला है वो आपका 30 जून 2023 रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। फॉर्म के फ़ी की बात करूँ तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को फ्रेंड्स 100 रुपीज़ लगेगा यहाँ पे, और एससी एसटी कैटेगरी वालों को यहाँ पे 50 रुपीज़ फॉर्म की चार्ज ली जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका एज लिमिट जो कैलकुलेट होने वाला है वो आपका एज ऑन 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेट होगा, और इसमें जो आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो एज लिमिट है वो आपका 18 to 25 years का रहने वाला है, मीन्स कि मिनिमम 18 years और मैक्सिमम 25 years। BC1 and BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम आपका मेल कैटेगरी वालों के लिए 18 years रहेगा, मैक्सिमम 27 years का एज देखने को मिलेगा। फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है वो BC1 और BC2 में अगर आती हैं तो उनका मैक्सिमम एज 28 years माना जाएगा। वही SC ST के कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करूँ तो उनके लिए जो है मिनिमम एज 18 years रहेगा और मैक्सिमम एज आपको 30 years रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं आउट ऑफ झारखंड स्टेट के, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ ज़रूर, आप कर सकते हो इस फॉर्म को अप्लाई। आप फ्रेंड्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक अगर आप SC ST OBC हो और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप झारखंड SSC के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस अप्लाई करते वक्त आपको अपने कैटेगरी में जनरल बताना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप एज अ जनरल उस स्टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए एज लिमिट जो रहेगा वो आपका मिनिमम 18 years और मैक्सिमम 25 years रहेगा। सो ये आउट ऑफ झारखंड वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये मैंने बताया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपने अगर जस्ट आपने 10th pass कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एकदम एलिजिबल माने जाओगे, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको 583 रहने वाला है, बट अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट अलॉट किया गया है। तो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपका 237 सीट्स रहने वाली है। BC1 के लिए 50 सीट्स रहेगा। BC2 के लिए 32 सीट्स रहने वाला है। EWS वालों के लिए 59 सीट्स है यहाँ पे। SC कैटेगरी वालों के लिए फ्रेंड्स 57 सीट है। ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 148 सीट रहने वाला है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो 237 सीट्स रखा गया है यहाँ पे, उसी में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका भी इसी में जनरल के वाले सीट्स में ही उनका भी सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, इस जॉब के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका 3 major stages पे आपको डिपेंडेबल है। फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका फिजिकल टेस्ट होता है, मतलब PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका जो है वो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, आपकी हाइट देखी जाती है, चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। PST के बाद फ्रेंड्स आपका PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें आपका रनिंग लिया जाता है। देन सेकेंड आपका होता है रिटन टेस्ट, देन आपका मेडिकल लिया जाता है, फिर आप इस एग्ज़ाम के ज्वाइनिंग लेटर को गेन कर पाते हो। अब हम लोग जानेंगे कि PET और PST टेस्ट जो होता है वो किस बेसिस पे, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको पहले हम लोग समझ लेंगे।
अगर मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स में जनरल बीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट आपको 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। उनके लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। मेल कैटेगरी में एससी एसटी के कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है। चेस्ट 79 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायर्ड है। फीमेल ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपका हाइट जो है वो 148 सेंटीमीटर है और फीमेल्स के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका रनिंग होता है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग होती है आपको 60 मिनट्स में। वहीं आपको फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर्स की रनिंग होती है आपको 40 मिनट्स में। सो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम होता है। मीन्स कि आपका टोटल आपका 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। दो दो घंटे का पेपर होता है फ्रेंड्स आपका, यानी कि टोटल आपका 6 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 में आपको भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज की टेस्ट होती है, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 2 में आपका रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज, यानी कि कोई भी अगर आपको लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेज है, उसमें आपको टेस्ट लिया जाता है। थर्ड पेपर आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है। सो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये तीनों जो पेपर होगा तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में जो आपका लैंग्वेज का जो आपका होगा एग्ज़ाम, उसका 120 क्वेश्चन आपका 360 मार्क्स का रहेगा और 2 आवर का पेपर रहेगा। पेपर 2 में आपका रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज होता है, जो कि आपको 100 क्वेश्चन 300 मार्क का रहता है और 2 आवर का ये भी आपका पेपर रहेगा। पेपर 3 आपका जनरल नॉलेज का है, जो कि 120 क्वेश्चंस आपका 360 मार्क्स का 2 आवर्स में रहेगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आपसे जो है तीनों पेपर मिला के 340 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो टोटल मार्क्स रहने वाला है वो आपका 1020 मार्क्स में से आपका टोटल रहने वाला है। आपका टोटल 6 घंटे का पेपर होता है। तो अभी हम लोग समझते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछेगा। पेपर 1 में आपका लैंग्वेज में इंग्लिश का आपको बात करूँ तो कम्प्रीहेंशन से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क का। ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स का। हिंदी कॉम्प्रीहेंशन की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपसे हिंदी के 60 क्वेश्चन रहेंगे 180 मार्क्स के। और पेपर 2 में फ्रेंड्स जैसा कि आपने जाना कि रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संथाली, मुंडा, जो भी लैंग्वेज आप चॉइस करोगे उसका आपको 100 क्वेश्चन रहेगा 300 मार्क्स का। पेपर 3 यानी जनरल नॉलेज का जो आपका पेपर होगा उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे फ्रेंड वो आपका जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चंस रहेगा 120 मार्क का। जनरल साइंस के आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। जनरल मैथमेटिक्स आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। और फिर आपका नॉलेज अबाउट झारखंड से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 150 मार्क्स का। तो पेपर 3 जो है वो आपका 120 क्वेश्चंस रहेगा 360 मार्क्स का और 2 आवर्स में ये भी पेपर आपका होगा। फ्रेंड्स ये तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई, तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस जॉब का लोकेशन क्या रहेगा। तो हाँ फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड एसएससी की तरफ से पुलिस की वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली जो जॉब लोकेशन होगा वो आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगा। और आफ्टर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी जो है वो आपको 20,000 से स्टार्टिंग होगी और पर ईयर एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद आपकी सैलरी जो है फ्रेंड्स वो आपका 64,000 तक रहने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। सो अभी से ही आप लोग इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। सो फ्रेंड्स ये सारी तो बेसिक डिटेल्स हो गए आपको झारखंड एसएससी के जो एक्साइज कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए उसके रिगार्डिंग। तो अगर इसमें आपको कोई सा भी डाउट लगे ना तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यू जॉब अपडेट्स के ऊपर वीडियो बनाते रहूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और मेरे वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये सारी न्यू न्यू जॉब अपडेट्स की वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।